पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्हे बच्चों, आज के सुसमाचार में बहुत ही अच्छे चीज़ हमारे जीवन के लिए बताया गया है। हम सभी लोगों को यह सभी चीज़ जानने की आवश्यकता है। हम सुनते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि पवित्र वस्तु को कुत्ता को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग जो पौत्र चीज होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम पौत्र रखें। यदि हम उन सभी चीज़ों को ऐसे ही फेंक दे, बाहर फेंक दे, हम उसका कोई माने मतलब ना रखे, तो इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट द होली थिंग्स, वी डोंट कीप इट सीक्रेट, नो दिस थिंग्स गोइंग टू हार्म अस। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सभी लोग कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में यदि हम ईश्वर का अनुग्रह पाते हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को एक सक्षम रूप से या तो अच्छे स्वभाव से हम उनका ग्रहण करें और हम अपने जीवन में लागू करें। उदाहरण के तौर पर आप सभी जानते हैं कि जैसे प्रभु ईसा मसीह ने अपने चेलों के साथ वह भोजन करते हैं और भोजन के समय वह सभी लोगों के साथ बातें करते हैं और कहते हैं कि आप में से कोई मुझे पकड़वाएगा और मुझे उनके हवाले कर देगा, और उन्होंने रोटी और दाखरस अपने शिष्यों को देते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतिम लास्ट सफ़र, मतलब अंतिम बियारी। उस समय जब हम देखते हैं कि यह शिष्य जो अपने आप को तैयारी नहीं किए थे, या तो यूदस जो अपने आप में वह बहुत पहले ही यह प्लान कर चुका था कि हमें प्रभु ईसा मसीह को पकड़वाना है और उसे प्यालों के हवाले कर देना है, इसका मतलब वह गलत सोच अपने हृदय में रखा था, और वह गलत सोच रहते हुए भी वह प्रभु ईसा मसीह का दिया हुआ वह रक्त और शरीर को ग्रहण करता है। और जब वह ग्रहण करता है तो हम जानते हैं कि वह व्यक्ति के अंदर में शैतान घुस जाता है और वह अपने आप को हानि पहुंचाता है, अर्थात वह फांसी के फंदे में लटक जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वैसे ही होते हैं। जब हम सभी लोग अंतर और आंतरिक रूप से हम सभी लोग ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, या तो हम कई प्रकार के बुरे विचार, बुरे सोच, बुरे कर्मों से हम भरे पड़े रहते हैं, तो उन सभी समय में हम सभी लोगों को इन सभी अच्छाइयों से या तो हमें ईश्वर के जो हम कहते हैं पौत्र चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूँ कि कुछ हमारे अपने ही पारिस में बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही शांत स्वभाव का और धार्मिक व्यक्ति होने के नाते कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप राजनीतिक में चले जाइए, और वह राजनीतिक में जाने के बाद वह जो धर्मी व्यक्ति था उसका धार्मिकता सभी कुछ उड़ गया। और उसी के जस्ट ऑपोजिट एक व्यक्ति था जो बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था, मतलब राजनीतिक नेता था, और राजनीतिक नेता होने के चलते वह सोचा कि यह बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही अच्छा पल्ली पुरोहित है और सभी लोग इनको जानते हैं, यदि मैं चर्च के साथ जुड़ जाता हूँ तो शायद मुझे बहुत ही बहुमत से जीत मिल जाएगी, और उन्होंने चर्च के साथ जुड़ गया। तो अंत में हुआ क्या कि जब वह व्यक्ति जो योग्य नहीं था, या तो धर्म कर्म में कोई मायने मर्यादा नहीं रखता था, लेकिन वह कुछ अपने गलत सोच के लिए या तो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने चर्च पर आया, और उसके बाद में चर्च का नाम बदनाम होता है और पूरे सोसाइटी का या पूरे लोगों का बदनाम होता है। इसी प्रकार जब हम अपने धर्म को राजनीतिक चीज़ों से या तो गलत चीज़ों से हम जब जोड़ते हैं, तो वह खुद हमारे ऊपर ही टूट पड़ता है। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यदि हम सभी लोग पौत्र चीज़ों को कुत्तों के सामने फेंकते हैं, सुअरों के सामने हम बिखेर देते हैं, तो वे उन पर चलते हैं, उन पर पैर लगाते हैं और वे हम पर ही आक्रमण करते हैं। इसलिए हम सभी लोग यह सब चीज़ों को अपने जीवन में सोचे समझे कि क्या हम सभी लोग जब ईसा मसीह को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयारी करें, हम पाप स्वीकार करें
और धर्म के अनुसार हम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को और अपने जीवन को भी संवारे, जिससे हम ईश्वर के संतान बन जाएं और ईश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएं। आइए हम सभी लोग इन सभी चीज़ों को ईश्वर के समक्ष रखें और हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, आत्मा के नाम पर आमीन।